हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अमित साइंस वर्ल्ड पर। तो यहाँ पर हम करते हैं रसायन विज्ञान, चल रही है अपनी क्लास 11th की, चैप्टर चल रहा है अपना सेकंड, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना के बारे में हम दो क्लास ले चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड क्लास हो चुके हैं। आज की हमारी थर्ड क्लास रहने वाली है, जिस पहले और सेकंड क्लास में हम पढ़ चुके हैं ऐसे परमाणु क्या होता है और इलेक्ट्रॉन की खोज या किस प्रकार से की गई थी वो है हम पढ़ चुके हैं। जे थॉम्सन के इलेक्ट्रॉन मॉडल को हमने अच्छे से समझ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। तो लिखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। आज की हमारी क्लास है वो इस टॉपिक पर रहने वाली है। इसके साथ हम सीखने वाले हैं सब कुछ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विस्तार से, और भी जानकारियां हम प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए अब आज समझते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात ज्ञात किया गया। इसके लिए एक विधि का उपयोग किया जाता है, हम कह सकते हैं, जिसके लिए जैसे हमने जे थॉम्सन मॉडल में समझा था, एक प्रयोग समझा था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम एक प्रयोग को समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हम इस प्रयोग को करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक नली ले लेते हैं। वहाँ पर हमने कुछ अलग नली ली थी, यहाँ पर हम जो नली लेने वाले हैं उसका आकार या कह सकते हैं कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। हम साथ साथ बनाते जाएंगे। अगर मैं कर सकता था तो पहले से बना करके आपको दिखा देता, लेकिन उसमें आपको समझ में नहीं आता तो उससे कोई फ़ायदा नहीं रहने वाला। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हमें नल लेनी है, उसके अंदर हमें इलेक्ट्रोड लगाने हैं। यहाँ पर हमने क्या लगाए, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। उसके साथ किसको जोड़ना है, एक उच्च वोल्टेज की जो बैटरी है उसे क्या कर देना है, एक कनेक्ट कर देना है। क्या करना है, एक उच्च वोल्टेज बैटरी को क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो चलिए एक उच्च वोल्टेज बैटरी को यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। हमने यहाँ पर इस बैटरी को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर एक सिरा है वह कहाँ से जोड़ा है, यहाँ पर कैथोड का, और एक सिरा एनोड से यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया। तो यह सिरा हमारा क्या है, कैथोड सिरा है, और यह सिरा हमारा एनोड सिरा है। इस प्रकार से आप इसका नामकरण भी कर लीजिए, कैथोड और एनोड दोनों सिरे यहाँ पर बना दिया। इसमें क्या है, उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही थी। यहाँ पर लिख सकते हैं आप उच्च वोल्टेज, उच्च वोल्टेज। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जब इसमें धारा प्रवाहित की तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जब इनसे धारा प्रवाहित होती है तो जो हमने पहले भी पढ़ा था, कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं, कैथोड से एनोड की तरफ कुछ किरणें निकलती हैं, तो वह किरणें क्या करती है, हमने यहाँ पे क्या किया, वही स्फुरदीप्ति पदार्थ का लेप कर दिया था। क्या पढ़ा था हमने, जिंक सल्फेट जड़न अंश का यहाँ पर हमने लेप किया। लिख सकते हैं स्फुरदीप्ति पदार्थ, आप यहाँ पर नोट डाउन भी कर सकते हैं लिखना चाहें तो। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जिंक सल्फेट का यहाँ पर लेप कर दिया। तो अब क्या होगा, जैसे यहाँ से क्या होगा, जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे हम क्या करेंगे, जब इसमें हम धारा को प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो कण हैं कह सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो यहाँ से जाएंगे इस प्रकार से, जाकर के मध्य में एक बिंदु पर टकराएंगे, जहाँ पर थोड़ी सी क्या होगी, चमक उत्पन्न होगी। चमक उत्पन्न होगी तो उससे पता क्या चलेगा, यहाँ पर आकर के इलेक्ट्रोड टकरा रहे हैं। ठीक है, अच्छे से आ गया समझ में कि इस प्रकार से। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ क्या कह सकते हैं कि विद्युत आवेश लगा दिया। क्या लगा दिया, विद्युत क्षेत्र लगाने पर, विद्युत क्षेत्र लगाया दोनों तरफ, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर धनात्मक सिरा था इसका और यहाँ पर ऋणात्मक सिरा। जैसे हम इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो क्या होगा, ये जो किरण है, क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है एक रेखा में गमन कर रहे हैं, ये धनायन की तरफ क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। धनायन की तरफ क्या हो गए, आकर्षित हो गए, और यहाँ पर जिस जगह पर ये जाकर टकरा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, ए सिरा। जिस जगह पर जाकर टकरा रहे हैं वह क्या कहलाएगा, ए। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, हम अच्छे से यहाँ पर कह सकते हैं, हम ये लिख भी सकते हैं कि ए, आप इस प्रकार से जो ए है इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि ए विद्युत क्षेत्र लगाने पर, क्या लगाने पर, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र लगाया, इसका मतलब क्या है कि एक विद्युत कह सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित की, तो जब जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा वह क्या होता है, धनात्मक नहीं होता, ऋणात्मक होता है, वह धनात्मक की तरफ क्या हो गया, आकर्षित हो गया, वह धनात्मक की तरफ आकर्षित हो जाता है। यहाँ पर उसके बाद हम क्या देखते हैं, हमने यहाँ पर पहले विद्युत धारा लगा दी, अब हम क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं।
विद्युत क्षेत्र लगा दिया, चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, क्या लगाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र हम किसकी सहायता से लगा सकते हैं, चुंबक लगाते हैं। चुंबक लगाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो चुंबक का नॉर्थ पोल है वो यहाँ पर और साउथ पोल इसके इस साइड में, ठीक है, नॉर्थ और साउथ दो पोल यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, अब क्या होता है, जो वेव है, जो ये तरंग है, वह साउथ पोल की तरफ क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है, और जो यहाँ पर बी बनता है वह क्या है, चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर क्या उत्पन्न होता है, हमारा यहाँ पर बी उत्पन्न होता है। अच्छे समझ में आ गया होगा बात। तो किस प्रकार से हमने देखिए यहाँ पर क्या किया, इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात ज्ञात करने के लिए पहले हमने क्या लिए, यही लिया जो नली ली, उसमें हमने क्या किया, उच्च वोल्टेज से इसको कर दिया, जोड़ दिया। फिर हमने इसमें जब इलेक्ट्रॉनों को, विद्युत धारा को प्रवाहित किया, तो जब इलेक्ट्रॉन उस पर कोई भी क्षेत्र नहीं करता था कार्य, तो वह क्या थे, सीधे जाकर टकरा रहे थे। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर हमने विद्युत क्षेत्र लगाया, विद्युत क्षेत्र लगाने पर वह धनात्मक की तरफ आकर्षित हो जाता है, धनात्मक की तरफ आकर्षित हो गए, तो यह किसको दिखा रही है, धनात्मक की तरफ आकर्षित होने को। फिर हमने क्या किया, इसको चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर हम क्या देखते हैं कि यह साउथ पोल की तरफ चुंबक के आकर्षित हो जाती है, ऐसा होता है, साउथ पोल की तरफ चुंबक के आकर्षित हो जाती है। तो फिर क्या किया गया, फिर देखिए जब यह हमारा क्या था, जो इलेक्ट्रॉनिक लगा रहे थे, हम क्या लगा रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र लगा रहे थे और चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे थे, दोनों को धीरे धीरे क्या किया गया, एक साथ लगाया गया। और जब एक साथ धीरे 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 उसको इस स्थिति पर लाया गया कि जब यह जब किरण है वो यहाँ पर आकर टकराए, किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर आकर टकराए, दोनों को धीरे धीरे कम किया गया, यह कह सकते हैं। और जब इस एक अवस्था वह आ जाती है जब इसमें जो किरण है उसमें कोई भी विचलन नहीं होता है, इसमें कोई नहीं होता है विचलन नहीं होता है, जब इसमें कुछ भी विचलन नहीं हो रहा होता है तो वह जाकर वापस सी पर टकराती है। तो जब वह विचलन नहीं हो रहा है, जब वह सी पर टकरा रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि जब वो ई ओमो अपॉन एम, इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड जब एक स्थिति पर आते हैं, उस समय क्या हुआ, कौन सी स्थिति है, हम कह सकते हैं कि उस पर जब 1.7 इंटू 10 टू पावर 11 क्या है, 1.7 इंटू 10 टू पावर 11 कूलाम पर केजी आवेश लगाया जा रहा है, तब वह क्या होती है, सीधी रेखा में टकराती है, कह सकते हैं कि एक रेखा में एक गमन कर रही है। तो हमारे पास क्या जाता है, ये इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक दोनों फेज आ गए यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, अब हमें पता है कि हम किस पढ़ने वाले हैं, थोड़ी देर बाद हम कह सकते हैं कि अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे मिलियन तेल बूंद प्रयोग। क्या पढ़ेंगे, मिलियन तेल बूंद प्रयोग। तो जो मिलिकन थे उनका एक, उन्होंने एक प्रयोग किया था, तेल बूंद प्रयोग किया था, उसमें अंदर उन्होंने इलेक्ट्रॉन है उसका एक चार्ज निकाल दिया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज उन्होंने निकाला था 1.59 इंटू 10^19 कूलाम। क्या था ये, मिलिकन की तेल बूंद प्रयोग से इसे ज्ञात किया गया था, मिलिकन की तेल बूंद प्रयोग। तो मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से क्या निकाला था, इलेक्ट्रॉन का मान निकाल दिया था 1.59 इंटू 10 टू पावर 19 कूलाम। तो इसी की सहायता से हम किसका ज्ञात कर सकते हैं, जो m है उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, मान है वो पुट कर देते हैं, क्या लिखते हैं, मान पुट कर देते हैं। तो जब इसके मान हम m को इधर लेके आएंगे, हम जब बाहर m को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, e अपॉन 1.7 इंटू 10 टू पावर 11 कूलाम पर केजी आ जाएगा। अब इसमें मान पुट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन का मान हमारे पास है 1.59, हम यह क्या कह सकते हैं, 59 की जगह हम अगर 6 लिखते हैं तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। वैज्ञानिक संकेतन में हमने अच्छे से सीखा था कि किस प्रकार से हम एक फॉर्म में इसको दर्शा सकते हैं, एक शॉर्ट रूप में इसमें दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो इसको 6 लिख सकते हैं, तो इसको 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 कूलाम अपॉन 1.7 इंटू 10 टू पावर 11 कूलाम पर केजी, इस रूप में हम यहाँ पे इसको दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, हल कर लेते हैं। जब हम इसको हल करेंगे 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 केजी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको आप हल कर सकते हैं, 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 केजी आ जाएगा, केजी है, किलो केजी को किलोग्राम में, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 9.1 इंटू क्या हो जाएगा, इसकी जो माइनस की पावर है वह घट जाएगी, माइनस की पावर घट जाएगी, क्यों, क्योंकि एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 संकेत हैं, 4 संकेत वह हो जाएंगे, जुड़ेंगे माइनस में है, तो जुड़ने पर वह देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस 31 है, और हमारे पास यहाँ पे देखिए कितनी जीरो है, 3, तो 3 जीरो को घटाने के लिए क्या करेंगे, प्लस 3 किया तो क्या आ गया, -28, ये अच्छी समझ में आ गया। इस प्रकार से हमने क्या ज्ञात कर लिया, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम ज्ञात कर लेते हैं,
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा किस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए हमने अब एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। हमने क्या ली, ट्यूब ली। ट्यूब इस बार थोड़ी सी अलग टाइप की थी, पहले अलग थी। इसमें हमने क्या लगाया, इलेक्ट्रोड लगाए दो। एक और बात यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रोड हम लगाते हैं, पीछे वाली क्लास में भी ये बात मुझे लगता है जहाँ तक ये मिस हो गई थी या बता दी होगी मुझे याद नहीं है, तो अभी मैं बता देता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रोड लेते हैं, जो इलेक्ट्रोड लेते हैं ये अलग अलग धातुओं के भी हो सकते हैं, अलग अलग धातुओं के हो सकते हैं। जैसे पहले किसी और धातु पे किया, बाद में किसी और धातु पे उपयोग किया, तो इसी तरह से अलग अलग दोनों धातु भी अलग अलग धातुओं का इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फर्क क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि आज भी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोई प्रभाव नहीं होता है। हमने जैसे कोई भी क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, जैसे NaCl यौगिक बनाया, तो हम क्या जानते हैं यहाँ पे अन्य ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया, अच्छे से जानते हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन अन्य का अलग था, Cl का अलग था? बिल्कुल भी अलग नहीं था। दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या थे, बिल्कुल समान थे। इलेक्ट्रॉन समान होता है, ऐसा नहीं होता कि हर तत्व का इलेक्ट्रॉन है उसका जो परमाणु है वह अलग हो, इस प्रकार का कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ से अच्छे से हम समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन है वह अलग अलग धातु के लिए जा सकते हैं, अच्छे से देख लिया। तो यहाँ पे हमने क्या, जल्दी उच्च वोल्टेज की बैटरी जोड़ी थी उसके साथ, जब इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया गया तो क्या होता है, पहले तो एक सीधी रेखा में गमन करते हैं, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड लगाया जाता है, विद्युतीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र लगाने पर जो है, जो तरंग है, हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे हैं उसकी अपनी दिशा से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। अपनी दिशा जैसे ही वह विचलित हुए तो वह एक और बिंदु पर जाकर टकराते हैं, उसे ए द्वारा सिंबल किया गया। ए विद्युतीय क्षेत्र पर लगने वाला है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर ए हमें प्राप्त हुआ, वैसे फिर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को रोक दिया गया एक बार, फिर मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया। जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो क्या हुआ, नॉर्थ और साउथ पोल को रखा गया, तो जो किरण थी या जो इलेक्ट्रॉन थे वह साउथ पोल की तरफ आकर्षित होते हैं और अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। फिर क्या किया, तो दिक्कत हो गई कि क्या करें अब। फिर दोनों को क्या किया, दोनों को एक साथ में लगा करके उनका मान धीरे 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 कम किया गया। लेकिन जब वह मान एक निश्चित स्थिति पर आ गया कि यहाँ पर आकर यह टकराए, उस निश्चित स्थिति को क्या कहा गया कि E अपॉन m बराबर 1.7 × 10^11 कूलम पर kg। तो उस प्रकार से हमने इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन का मान मिलीकन की तेल बूंद प्रयोग से हम निकालना सीखने वाले हैं। वैसे भी आपको याद करवा चुके हैं ये तो 1.6 × 10^-19 कूलम ही होता है। तो चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पोस्ट करके लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं मिलीकन की तेल बूंद प्रयोग को विस्तार से समझते हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वह है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, अभी हमने पढ़ा था 1.6 × 10^-19 कूलम। तो वह ज्ञात कैसे किया गया, उसकी खोज किस प्रकार से की गई, तो उसके लिए हमारे वैज्ञानिक थे मिलीकन, उन्होंने इसके ऊपर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किए थे और उसकी गणना की थी। तो हमारा जो पॉइंट है, जो आज का कह सकते हैं टॉपिक है, वह है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, मिलीकन का तेल बूंद प्रयोग को पढ़ने वाले हैं। हमारे NCERT बुक में जो डायग्राम दिया गया है वह थोड़ा सा कह सकते हैं कि अजीब सा है, देखने पर ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, तो उसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं आसान तरीके से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। चलिए उस डायग्राम को बना लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना है, हम कह लीजिए, आप कह सकते हैं कि सबसे पहले आपको एक बॉक्स ले लेना है और कुछ नहीं करना, एक बॉक्स ले लेना है। बॉक्स लेने के बाद आपको क्या करना है, अब देखिए कि अब इसको अच्छे समझते हैं। अब इसके ऊपर हमें दो इलेक्ट्रोड लगा देने हैं, कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड की जगह आप यहाँ पे प्लेट शब्द का उपयोग कर लीजिए। इसके ऊपर हमें क्या लगाना है, दो प्लेटों को लगा देना है। दो प्लेटों को लगा दिया, अब दोनों प्लेटों को हमें क्या करना है, आपस में कनेक्ट कर देना है। क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करेंगे तो साथ में क्या लगाएंगे, इसमें विद्युत धारा भी क्या करनी है, हमें प्रवाहित करनी है। विद्युत धारा भी क्या करनी है, प्रवाहित करनी है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हम इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इसको एक बैटरी की सहायता से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यह क्या ऋणात्मक सिरा है, यह क्या धनात्मक सिरा है, इसको आप 10th में अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। सॉरी, ये है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो इसको आप 10th में अच्छे सीख चुके हैं। तो जो ये प्लेट ऊपर लगी हुई है, तो ऋणायन प्लेट है और ये धनायन प्लेट, यहाँ पे लिख सकते हैं ऋणायन और धनायन प्लेट। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा किस प्रकार से किया गया है। तो अब आप बुक में से जो डायग्राम बनाया गया उससे खुद को थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे। इस प्रकार का डायग्राम बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इन प्लेटों को तो हमने सेट कर दिया,
ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें एक जो कह सकते हैं कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन है तो उसकी गणना हमें करनी, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक कणित्र लगाना पड़ेगा, कह सकते हैं तेल कणित्र। इसमें क्या भरा गया है, तेल को भरा गया है, इसमें क्या भरा गया है, तेल भरा गया। यह क्या काम करता है कि तेल कणित्र का काम यह होता है, अपने घर पे ड्यू होता है जो आप लगाते हैं ड्यू, तो उसमें क्या होता है उसकी छोटी छोटी बूंदें होती है, आप कभी नोट कीजिए बहुत ही बारीक बारीक सी बूंदें होती है, तो यह क्या करता है तेल की उन बाहर बूंदों को इतना बारीक कर देता है कि जैसे वह एक कह सकते हैं परमाणु हो, कह सकते हैं कि एक परमाणु के समान उसको क्या कर देता है, इतनी बारीक बारीक वह कर देता है। तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है कि कणित्र लगा दिया, दो प्लेटें लगा दी, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, ठीक है। अब बॉक्स के अंदर है सब कुछ, अब यहाँ पर क्या लगा देते हैं, इसके साथ एक हम कनेक्ट कर देते हैं, छोटा सा यहाँ पे होल करते हैं इस प्रकार सा, और इसके ऊपर क्या लगाना है हमें, स्रोत से एक्स किरण पुंज लगा देना है। क्या लगाएंगे, एक्स किरण पुंज। एक्स किरण पुंज लगाने का मतलब है यहां से जो एक्स किरणें हैं उनको लगातार इस बॉक्स के अंदर प्रवाहित किया जा सके, एक्स किरणों को यहां से क्या किया जा सके, बॉक्स के अंदर प्रवाहित किया जा सके। अब एक्स किरणें बॉक्स के अंदर प्रवाहित हो रही है तो उन्हें देखने के लिए इसके बिल्कुल सामने क्या लगा देते हैं, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं यहां पर सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन भी कह सकते हैं आप, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी दूरबीन चाहिए हमें, दूरबीन सूक्ष्मदर्शी दूरबीन लगा देते हैं, क्योंकि अगर सीधी दूरबीन लगाएंगे तो आप इलेक्ट्रॉन को नहीं देख पाएंगे, बुक में दूरबीन लिखा हुआ है तो उससे आप इलेक्ट्रॉन को नहीं देख पाते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ हो रहा है, तो इसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी दूरबीन का यहाँ पर क्या करना है, उपयोग करना है। तो ये सब कुछ हो चुका है, अच्छे से आप समझ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही जो कणित्र हैं उससे क्या करेंगे, फुहार करेंगे तेल की, जैसे ही तेल की फुहार करेंगे तो यहाँ पर कुछ तेल की बूंदें आ जाएगी, इस प्लेट के ऊपर आ जाएगी कुछ तेल की बूंदें, यहाँ पर एक सुराख रखेंगे हम इतना सा ताकि उससे सिर्फ एक तेल की बूंद ही नीचे जा सकें, एक सिर्फ इतना महीन कार्य करना है कि सिर्फ एक तेल की बूंद ही क्या हो उससे नीचे जा सकें, तो इससे नीचे कितनी आ रही है, सिर्फ एक तेल की बूंद आएगी इस प्रकार से, ठीक है, एक नीचे तेल की बूंद आ रही है। अब देखिए ये तेल की बूंद नीचे आ रही है, जो हमने बॉक्स लिया था उसके अंदर कुछ गैसें रह गई होगी, हमने इसको क्या निर्वात तो नहीं किया, इससे सभी गैसों को बाहर तो नहीं निकाला है, तो इसके अंदर क्या कुछ गैसें रह जाती हैं, तो इन गैसों के जब एक्स किरणों को इसके अंदर प्रवाहित किया गया तो जैसे ही एक्स किरणें यहाँ पर आएगी तो छोट किसी क्या कहेंगे हम परमाणु से टकराएगी, किसी गैस के परमाणु से टकराने पर वह उसके जब एक्स किरणें टकराती है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर करके धनायन का प्राप्त कर लेते हैं, तो वह कैसे उस जो कण होंगे वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे और धनायन को प्राप्त करते रहेंगे, तो यह जरूरी नहीं है कि एक ही से टकराए, बहुत से कणों से टकराएगी, बहुत से गैसों के परमाणु होंगे, तो बहुत से इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या जाएंगे, मुक्त अवस्था में हो जाएंगे, इस बॉक्स के अंदर क्या हो जाएंगे, हम कह सकते हैं कि बहुत से इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में प्रवाहित हो रहे हैं, तो मुक्त अवस्था में क्या हो रहे हैं, बहुत से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे जो तेल की बूंद है उसके ऊपर चिपक जाएंगे आकर के, तेल की बूंद के ऊपर आकर के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जैसे तेल के बूंद के ऊपर इलेक्ट्रॉन को चिपकते हैं, अब दूरबीन की सहायता से हम इसकी जाँच करेंगे। अब इसमें क्या किया हमने, विद्युत धारा को प्रवाहित कर दिया, विद्युत धारा को हमने क्या किया, प्रवाहित कर दिया, विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है इसको एक ऐसे इतनी विद्युत धारा हम देंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो तेल की बूंद है वह स्थिर अवस्था को प्राप्त कर ले, इतना हमें क्या करना है, विद्युत धारा को प्रवाहित करना है कि जो तेल की बूंद है वहाँ पे एक जगह पे स्थिर अवस्था को क्या कर ले, प्राप्त कर ले। उसके बाद क्या होगा, जो तेल की बूंद है वो ना तो वहाँ से ऊपर जाए ना ही नीचे जाए, एक स्थिर अवस्था को क्या कर लेनी चाहिए, प्राप्त कर लेनी चाहिए। जब तेल की बूंद ने स्पष्ट स्थिर अवस्था को प्राप्त कर लिया तब दूरबीन की सहायता से उसको क्या किया गया, परीक्षण किया गया, दूरबीन की सहायता से जब उसका परीक्षण किया गया तो क्या देखा गया कि कुछ तो जो कण थे उन पर आवेश ज्ञात किया गया, तो कुछ पे ऐसा नहीं है कि सभी पे इलेक्ट्रॉन समान चिपके, किसी पे दो चिपक गए, किसी पे चार, किसी पे छः, किसी पे दस, किसी पे बारह, अलग अलग संख्या में क्या हुए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ चिपक जाते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि यह किस प्रकार से रुके, हम छोटा सा एक क्या करते हैं, कह सकते हैं उदाहरण की सहायता से इसको समझते हैं। उदाहरण के लिए हमने क्या लिया, एक टब लिया, उसके अंदर हमने पानी को भर दिया, पानी को भर दिया, उसके अंदर हमने क्या एक छोटी सी कांच कह सकते हैं कि लोहे की छोटे से क्या है गोली को उसके अंदर डाला, तो एक गोली तो पहले तो क्या पूरी स्पीड के साथ आएगी, पहले जैसे वातावरण होगी तो वह पूरी स्पीड से नीचे गिरेगी, लेकिन जैसे वह द्रव के संपर्क में आएगी उसका वेग कम हो जाएगा। अब जब वह यहाँ पे आएगी तो उसके ऊपर दो वेग कार्य कर रहे होंगे, क्या होंगे, इसके ऊपर दो वेग कार्य कर रहे होंगे, जब यह बूंद इस अवस्था में है
तो उसके ऊपर दो वेग कार्य करते हैं, एक तो एम जी कार्य कर रहा है जो गुरुत्वाकर्षण है उसको नीचे की तरफ है धकेल रहा है, वह कार्य कर रहा है, एक क्षण बल कार्य कर रहा है एफ वी, वो उसको ऊपर की तरफ द्रव का क्षण बल उसके अंदर कार्य कर रहा है। तो फिर आप कहेंगे सर यहाँ पे तो द्रव है नहीं, तो गैसों में भी क्या है क्षण बल तो कार्य करेगा। तो इस प्रकार से हम जब इन दोनों बलों को क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जब इन दोनों बलों को क्या है यहाँ पर जो हमारे पास है एफ वी और एम सी जब समान होंगे इस अवस्था में, जब एक अवस्था बनेगी उसे कहते हैं वी टी, वी टी वी टी वेग में आएगा जब वह दोनों समान होंगे, तो जो वी टी वेग है उसे क्या कहते हैं सीमांत वेग के नाम से जानते हैं। वी टी को क्या कहते हैं सीमांत वेग, सीमांत वेग के नाम से किसको जानते हैं वी टी को यहाँ पर जानते हैं। तो एफ वी बराबर एम जी जब दोनों बराबर हो गए तब वह वेग कार्य कर रहा है वी टी, जो वी टी वेग है वह क्या है सीमांत वेग है वहाँ पर सीमांत वेग। एफ यहाँ पे एफ वी जो प्रेशर लग रहा है, एफ वी जो प्रेशर लग रहा है उसका जो मान होता है वह होता है 6π ηa आर वी के बराबर, 6π ηa आर वी के बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं एफ बराबर या एफ वी बराबर एम जी, एफ बराबर एम जी जब बराबर है यहाँ पर तभी तो क्या ये सीमांत वेग कार्य कर रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे इसको एक सीमांत वेग पर रोक लिया गया है, क्या कह सकते हैं एक स्थिरता की स्थिति प्राप्त कर ली गई है। तो जब दोनों प्लेटों के बीच अब देखें यहाँ पे जो दूरी है ये भी आपको पता होनी चाहिए, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है डी है, क्योंकि अभी तो इसकी आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन जैसे हम अब आपके एनसीईआरटी की बुक में तो इसको विस्तार से नहीं समझाया गया है, लेकिन आपको इसके थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए मैं इसको विस्तार से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो इसके लिए आपको इसकी आवश्यकता वह रहने वाली है। तो देखिए इसके बीच की दूरी हमने निकाल ली यहाँ पर डी है, ठीक है। तो अब देखिए जो विद्युत क्षेत्र है दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है उसको ई के द्वारा दर्शाते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या है ई, विद्युत क्षेत्र क्या है ई, इसका मतलब क्या इसके ऊपर भी क्या कर रहा है बल कार्य कर रहे हैं, दो जो तेल की बूंद स्थिर है उस अवस्था में भी इसके ऊपर दो बल कार्य कर रहे हैं एफ ई और एफ जी, तो जो एफ ई और एफ जी है वह में क्या करना है बराबर करने हैं, दोनों को हमें क्या करना है इक्वली तो करना है, तभी तो यह तेल की बूंद क्या होगी स्थिर होगी। तो अब देखिए यहां पे लिखते हैं तेल की बूंद की स्थिरता की स्थिति में, तेल बूंद की स्थिरता की स्थिति, तेल की जो बूंद है उसकी स्थिरता की जो स्थिति है उसका मतलब क्या है जो एफ ई है वो बराबर है एफ जी के, एफ ई बराबर किसके हैं एफ जी के। ये मॉडल आपको अच्छे समझ में आ गया, अब इसको थोड़ा सा हम क्या करें लिखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करें लिख रहे हैं कि स्थिरता की अवस्था में आ गया तो क्या हुआ एफ ई बराबर हो गया यहाँ पर एफ जी के, तो एफ ई बराबर एफ जी है तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं एफ ई बराबर है एम जी के, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, या हम कह सकते हैं ये जो इसका आवेश है क्या है जो इसका आवेश है क्यू हमने निकाला था क्या है दोनों प्लेटों के मध्य क्यू ई बराबर है एम जी के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अगर लिखना चाहें कि यहां पर हम क्या कर दें ई का मान रख देते हैं, ई क्या है विद्युत क्षेत्र है, तो ई का मान हम यहां पे पुट कर देते हैं, तो ई का मान होता है वी बटा डी, ठीक है। तो लिख दीजिए क्यू वी बटा डी बराबर एम जी, क्यू बराबर वी बटा डी बटा एम जी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब हमें बिंदु पर क्या है आवेश ज्ञात करना है कि जो बिंदु है उसके ऊपर कितना आवेश लग रहा है, तो आवेश का क्या होता है Q होता है, तो Q ज्ञात करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे Q बराबर mg, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा d बटा v, कोई दिक्कत नहीं है d बटा v। तो अब इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि क्यू की मान की गणना कर सकते हैं, क्यू की मान की क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम गणना कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास m, m का मतलब इसका क्या द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान हमें पता नहीं है तो नहीं ज्ञात कर सकते। अब g देखिए, g क्या होता है गुरुत्वाकर्षण जो लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पता होता है हमें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 है जैसा गुरुत्वीय त्वरण होता है लगभग। और डी, डी यहाँ पर क्या है डी हम कह सकते हैं कि डी हमें पता है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, और वी वोल्टेज कितनी जो विद्युत धारा है प्रभावित की जा रही है हमें पता है। लेकिन अब हम क्या करें अगर हमें कहीं से एम के
पता चल जाए, किसका पता चल जाए, एम का पता चल जाए, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसके ऊपर लगने वाला आवेश ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कि हमें क्या पता नहीं है, एम पता नहीं है, जी ग्रेविटेशनल फोर्स में पता है, डी बीच की दूरी पता है, वोल्टेज पता है, कितना विभवांतर है, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करें, सब पता है। लेकिन अगर हमें एम की गणना ज्ञात ना हो जाए तो हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें एम ज्ञात करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि क्या कह सकते हैं कि चूंकि जो हमारा क्यू है या रो है, एक प्रकार से आप इसे रो से सिंबलाइज कर सकते हैं, तो रो बराबर क्या होता है, एम अपॉन वी, क्या होता है, एम अपॉन वी, एम मतलब रो नहीं पी लिखिए घनत्व, हम सूत्र किसका लिख रहे हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा, ये होता है ना सूत्र घनत्व का, द्रव्यमान घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, तो रो बराबर एम बटा वी होता है, तो इसका मान इसमें पुट कर देते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अगर हमें एम ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करने की कोशिश करें, अब एम ज्ञात करने की कोशिश करें, अगर हमें एम ज्ञात करना हो तो क्या लिखेंगे, ये गुना में है तो क्या चल जाएगा, रो अपॉन गुना वी, वी क्या होता है, आयतन, गोले का आयतन का सूत्र हमें पता है, हम पढ़ते आ रहे, क्या होता है, 4/3 πr³, तो मान रख दीजिए रो 4/3 πr³, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पाई आर की क्यूब, तो इसको हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, एम बराबर 4/3 πr³ रो, इसको इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। तो एक बार यहाँ पे एम की गणना कर सकते हैं, एम हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया, एम का एक हम मतलब मान ज्ञात यहाँ पे कर लिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस प्रकार लिख लीजिए, एक्स किरण पुंज, अगर इसको साफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता रहने वाली है, जब हम लास्ट में जाएंगे तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है आगे डेरिवेशन में। तो अब देखिए, अब हम क्या कहते हैं यहाँ पे, देखिए जब क्या है यहाँ पे, देखिए एफ वी बराबर था एफ जी के, एफ वी बराबर था किसके, एफ जी, एम जी एफ जी एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो एफ बराबर एम, एफ वी बराबर था एम एफ जी के, तो क्या कह सकते हैं हम, इसका मान रख देते हैं, हमारे पास किसका मान है यहाँ पे, एफ वी का मान है, तो एफ वी का मान पुट कर देते हैं वहाँ से, 6π r v, और एफ जी, तो एम जी का मैं एफ, एफ जी मतलब एफ, हम यहाँ पे देखिए एफ जी का मतलब क्या है, एम जी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ पे किसका मान पुट कर देते हैं, हमने यहाँ पे किसका मान निकाला हुआ है, तो यहाँ से किसका मान रख देते हैं, हम मान पुट कर देते हैं 4/3 πr³ रो क्यू, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, क्यों का क्यों यहाँ पे, एफ जी का जी, सॉरी ये जी है, तो जी का जी, एफ का मान हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो अब देखिए इसको जो सेम है उसके क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे आर निकला, 2r बचता है, और क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम क्या ज्ञात करें, अब हमें आर की स्क्वायर ज्ञात करनी है, आर की स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या चला जाएगा, उधर चला जाएगा, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, अब क्या बचा, 6π r कैंसिल हो चुका है, v कोई दिक्कत नहीं है, और v t है, v t हमारे पास t है, तो v t पर t था, तो v t लिख सकते हैं आप इसको, v t, और क्या बचा था, ओके कोई दिक्कत नहीं, अब अपॉन ये तीन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तीन ऊपर चला जाएगा, नीचे गुना में आएगा, अब क्या बचा नीचे, 4π r² बाहर चला गया, रोजी कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैंसिल किया, 2, 3 आया, पाई से पाई हो गया कैंसिल, क्या बच गया पीछे, r² = 3 गया है हमारे पास, डा वी टी, 3 तो पहले आया, 3 और 3 6 कर लीजिए, 3 और 3 9, सॉरी गुना किया, 9 आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, अपॉन नीचे किया आप 2, रोज जी आर का स्क्वायर निकालेंगे तो उधर क्या चला जाएगा, वर्ग बन जाएगा, यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया किस प्रकार से हमने क्या किया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए हम अब क्या करेंगे, अब हमें क्या पता है, पहले आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और मैं इसको साफ कर लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से जगह बना लेते हैं। तो अब आगे देखिए यहाँ पे हमें जो वी टी मिला है वो क्या है, वी टी बराबर हम क्या कह सकते हैं, चली गई दूरी, इसके द्वारा चली गई दूरी
बटा में समय अंतराल। तो चली गई दूरी को हम किसे दर्शा सकते हैं, डी से। देखें चली गई दूरी कितनी थी डी और समय अंतराल कितना आ गया टी। यहाँ पे वीटी हमने निकाल लिया। अब आगे देखिए यहाँ पे जो हमें एन है नीता दी गई है वह क्या इसकी शांता है, कितनी शांता है इसके अंदर उपस्थित है। और हमें क्या दिया गया यहाँ पे रो है, तो रो हमें क्या दर्शा रहा है, रो इसके जो घनत्व है उसको दर्शा रहा है। और जो पीछे बचा जी, तो जी हमें किसको दिखा रहा है, गुरुत्वीय त्वरण को दर्शा रहा है, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये सब कुछ हमें पता है। अब हम क्या कह सकते हैं कि m का मान रखने पर हमें g ज्ञात हो जाएगा। अब हमें पता है m कहाँ गया, ये रहा। तो m का मान रखने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से g प्राप्त हो जाएगा। तो m का मान रखने पर g प्राप्त हो, तो m का मान पुट कर देते हैं g बराबर एम जी डी, ठीक है, g बराबर एम जी डी बटा क्या आ गया v, वेलोसिटी आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अब आगे देखिए ये रहा, इसमें मान पुट कर दिया है, क्या मान पुट किया इसमें, अब हम क्या करेंगे मान पुट कर देते हैं। अब ये फॉर्मूला है, हम यहाँ पे इक्वेशन एक भी ले सकते हैं, लेकिन इक्वेशन से हल नहीं करा रहा हूँ, अच्छे समझ में आ जाएगा ऐसे ही। तो यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले को वापस वहाँ पे लिख दिया कि जी बराबर एम जी डी बटा वी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम जब इसको जो पुल कुल हमारा है, अब हम हमारे पास इसके मान नहीं है ना कि हमें हम पता चल गया कितना है जी, पता चल गया डी वी, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब जो हमारे कौन थे मिलिकन थे, उन्होंने इन सभी में पुट की वैल्यू सभी कणों के लिए, तो उन्होंने क्या देखा, वो देखते हैं क्या जगह है बोल्ट पे या नहीं है, थोड़ा चेक कर लेते हैं, जगह पड़ी है अपने पास अच्छे से, तो मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से, यहाँ पर पता चल जाएगा। उन्होंने क्या देखा कि जो एम है, जो इन सभी चीज़ों को, इन सभी चीज़ों की जब गणना की गई, ठीक है, इसमें जब मान रखा गया, कह सकते हो इसमें मान रख लिया, एम की गणना कर लिया, इस सूत्र में मान रख लेते हैं, ठीक है। तो जब हमने ज्ञात किया मास ज्ञात किया इलेक्ट्रॉन का, तो वह लगभग आता है 9.1 × 10⁻³⁻³ kg के, ठीक है। तो किसके आया 9.1 × 10⁻³⁻³ kg के बराबर आता है। आप कह सकते हैं कि जब इसका कुल मान ज्ञात किया गया, इलेक्ट्रॉन का जब मान ज्ञात किया गया, तो वह आया 1.6 × 10⁻³⁻ कूलाम का पूर्ण। जब उन्होंने m का मान ज्ञात किया, तो वह क्या देखते हैं, वह देखते हैं कि सभी जो कण थे उनके ऊपर चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन चिपके हों, लेकिन जब उनका सभी के एक क्या किया गया कि निकालने के लिए यहाँ पर अंक से गुणक ज्ञात किया गया कि सभी का एक तो एक कोई ना कोई तो समान अंक संख्या होगी जिससे वह सभी मल्टीप्लाई हो रहे हो, मतलब किसी में अगर चार इलेक्ट्रॉन चिपके हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि चारों इलेक्ट्रॉनों की गणना की जा सके। तो जब उन्होंने ये गणना की, तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ कि सभी के सभी का आवेश का गुणांक क्या था, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। तो इस तरह से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, जो इलेक्ट्रॉन का हम कह सकते हैं आवेश है, मिलिकन की तेल बूंद प्रयोग द्वारा अच्छे से इलेक्ट्रॉन का आवेश को गणना की गई। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा पढ़ करके। ये जो एक्सप्लेन है वो आपकी बुक में नहीं दिया गया है, ये एक्सप्लेन आपकी बुक में नहीं दिया गया। अगर आप चाहें तो इस डायग्राम को याद कीजिए, थोड़ी बहुत मैंने जो बातें बताई है वो लिख दीजिएगा, जैसे कि मिलिकन ने तेल बूंद की सहायता से जो एक्नोस थे उसकी सहायता से तेल बूंद की स्प्रे करवाई, जब उसको नीचे एक एक बूंद की सहायता से गिराया गया तो उसको स्थिर अवस्था में लाने के लिए Fg के बराबर रखा गया, तो जब उसके ऊपर बौछारें की गई तो इलेक्ट्रॉन मुक्त। इस प्रकार के थ्योरी भी आप लिख सकते हैं। जो मैंने बोला है आप कह रहे हो कि सर थ्योरी तो आपने लिखी नहीं, तो कैसे हम लिखें, तो आप इस सभी चीज़ों को थ्योरी में बदल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर चाहें आप एक्सप्लेन को समझना तो एक्सप्लेन को समझिए, अगर आपको सीधा ये तेल बूंद प्रयोग समझना है तो तेल बूंद प्रयोग समझिए आप। मैं चाहता हूँ सीधा तेल बूंद प्रयोग करवा कर आगे बढ़ जाते, लेकिन हमें क्या करना है, अच्छा डीपली से इसको पढ़ना है, अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाना है। तो मिलते हैं आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।